जितना सामान तुम वीडियो के थंबनेल में देख के तुमने फटाफट वीडियो खोल दोगी, देखो उतना तो है नहीं। और वो सामान ऐसा नहीं है कि मैंने अनबॉक्स नहीं किया या फिर वो मेरे चैनल पे नहीं है। और जितने सामान मैं अनबॉक्स करता हूँ, रिव्यू करता हूँ, उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट है अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू नाम से, वो सब चेकआउट कर सकते हो। तो आज हम करने वाले अनबॉक्सिंग एक नहीं, 1 2 3 4 5 सात चीजों की एक साथ एक ही वीडियो में। तो यार पुरानी लैपटॉप एक्सेसरी वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने चार चीजें अनबॉक्स करी थी, उस पर इतना प्यार मिला, 85K प्लस व्यूज जा चुके हैं। और मुझे बहुत लोगों ने बोला कि और एक्सेसरीज आप अनबॉक्स करो और चीजें दिखाओ, तो कभी कभी तो मैं सोलो चीज अनबॉक्स कर देता हूँ। आज मैंने छोटी छोटी चार पांच चीजें मंगाई है जो मैं सोच रहा हूँ एक ही वीडियो में कवर अप कर दूँ, क्योंकि सेपरेट सेपरेट वीडियो बना के फायदा नहीं है। तो ये सारा सामान है ये पर्सनली मैंने अपने लिए मंगाया है, और ये आइटम्स मैं अपने लिए मंगा रहा हूँ, आप कुछ और भी मंगा सकते हो। वैसे सबके बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये मेरे हिसाब से मुझे बढ़िया लगी, बाकी आपके हिसाब से आपको जो बढ़िया लगे आप उन्हीं लिंक से कुछ और ऑर्डर कर दो, सपोर्ट तुम्हारे भाई को मिल जाएगा थोड़ा बहुत। तो शुरू करते हैं फिर वीडियो। तो ये सारे डब्बे हैं, इनको रखते हैं साइड में। सबसे पहले जो चीज पहली अनबॉक्सड है उसे दिखा देते हैं। अनबॉक्स क्या है, ये मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ लगभग एक महीने से, तो थोड़ा गंदा है भाई, इग्नोर कर देना। मैं चाहता तो उसको पन्नी में डाल के साफ करके भी कर सकता था, पर नहीं, मैं यूज कर चुका हूँ, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये मेरे पास लिनोवो का बैग, और ये लिनोवो का ओरिजिनल बैग है जो एक्चुअली लिनोवो प्रोवाइड करता है अपने लैपटॉप्स वगैरह के साथ। ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये बैग मैंने पर्सनली क्यों चूज किया वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो MSI वाला लैपटॉप था वो ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन में था, तो मुझे ब्लैक और रेड में एक यही बैग पसंद आ रहा था, और ये अराउंड 1100-1200 रुपए का बैग है, तो सस्ते में अच्छी चीज। तो इसकी सारी पॉकेट्स दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्यों इतना बढ़िया है, इसके अंदर कितनी स्पेसिंग है, क्या क्या आप रख सकते हो। तो फ्रंट से कुछ ऐसा है दिखने में, ये एक पॉकेट आपको बिल्कुल फ्रंट में मिलती है। तो अगर इसके अंदर आप देखोगे तो छोटे मोटे पेन्स रखने के लिए, या अगर कोई हार्ड डिस्क वगैरह हो आपके पास वो रखने की स्पेस है, माउस वगैरह आप रख सकते हो। उसके बाद सेकंड पॉकेट आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आगे इसके अंदर एक सेपरेट स्पेस बनी हुई है जाली टाइप, अगर आप देख सकते हो इसमें भी सामान आ जाएगा काफी। और यहाँ पे भी आपका एक एक्चुअल लैपटॉप आ सकता है, ये भी एक लैपटॉप के लिए पॉकेट है, यहाँ पे आपका लैपटॉप आ सकता है या फिर यहाँ पे भी आप रख सकते हो, ये बहुत बड़ी है। और अगर लेफ्ट और राइट साइड की पॉकेट देखोगे तो कुछ बॉटल रखने के लिए आपको पॉकेट्स मिलती हैं, या फिर आप अपने पेन ड्राइव वगैरह कोई छोटी मोटी चीजें रख सकते हो इसके अंदर। और सिमिलरली दूसरी साइड भी आपको मिल जाएगी। और फिर जो इसकी मेन पॉकेट है जो मतलब लैपटॉप रखने के लिए है, इसकी लैपटॉप रखने के लिए इस साइड जिप दी है, मतलब यूजुअली बैग्स में क्या होता है ऊपर से लैपटॉप डलता है। तो मैंने जो आपको फ्रंट एक और पॉकेट दिखाई इसके अंदर भी आप लैपटॉप रख सकते हो, और एक जो मेन लैपटॉप रखने की जगह है वो यहाँ पे कोने में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ आप लैपटॉप रख सकते हो। और अगर लैपटॉप हिलेना तो उसको आपके लिए लॉक भी मिल जाएगा जो आपस में चिपक जाता है, इसको बोलते क्या पता नहीं है। तो ये इतनी सारी पॉकेट्स है इसमें। और एक पॉकेट और है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है इसकी पीछे वाली पॉकेट, ये जो चोर पॉकेट कह सकते हो आप इसको, ये पीछे की तरफ है। इस पॉकेट का एक्चुअली काम क्या है, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो आपने बैग कमर पे टांगा है, तो जो भी आपका इंपॉर्टेंट पैसा है या कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है आप यहाँ पे आगे ना रख के आप पीछे रख सकते हो, क्योंकि ये आपके कमर पे आ जाएगा तो यहाँ से आपको कोई हाथ डाल के निकाल नहीं सकता, यहाँ से तो फिर भी निकाल लेगा। और सिमिलरली लैपटॉप का भी ऐसा ही है, क्योंकि अगर ऊपर से लैपटॉप होता है तो वो निकालना ज्यादा इजी होता है, इसका साइड में तो पूरा साइड से खोल के ऐसे हाथ डालना और निकालना, क्या डालना निकालना, मतलब बढ़िया है बैग ओवरऑल। भाई इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है, ये आराम से 3-4 साल निकाल देगा। और ये रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है तो गेमिंग से मैच खा जाता है, और ये वाटरप्रूफ भी है। अब ऐसा नहीं है इसको पानी में डुबो दोगे तो लैपटॉप खराब नहीं होगा, मतलब अगर आप बारिश वारिश में थोड़ा भीग जाते हो तो बैग के अंदर पानी नहीं जाता। तो अब इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं और क्या क्या है हमारे पास। एक मैंने मंगाई है थर्मल ग्रीस क्रायोनॉट कंपनी की, ये क्रायोनॉट थर्मल ग्रीजली करके ग्रीस है, ये मैंने अपने MSI वाले लैपटॉप के लिए मंगाई, क्योंकि इसको 1.5 साल हो चुका है लैपटॉप को, तो सर्विसिंग भाई 1.5 साल में सर्विस करा लेनी चाहिए लैपटॉप की, क्योंकि उसके अंदर काफी डस्ट आ जाती है और थर्मल पेस्ट भी आपको चेंज कर लीजिए। तो मैंने ये वाली मंगवाई थी क्योंकि इसके सबसे अच्छे रिव्यूज हैं और काफी अच्छी पेस्ट है ये, तो मैं अभी चेंज नहीं करने वाला, जब चेंज करूंगा तो हो सकता है मैं उसकी वीडियो बना दूं। तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है। एक एप्लीकेशन के लिए गाइड निकलती है, और ये ओरिजिनल प्रोडक्ट वेरिफिकेशन के लिए एक सर्टिफिकेट टाइप निकलता है, और एक चुन्नू मुन्नू से छोटी सी पेस्ट निकलती है, और एक एप्लीकेशन के लिए इसकी स्टिक है। ये वाली पेस्ट लिटरली बहुत महंगी है, क्योंकि ये इतनी सी 700 रुपए के लगभग है, बहुत थोड़ी सी है, और ये एक ही लैपटॉप पे एक ही बार अप्लाई होती है, उसके बाद ये खत्म हो जाती है एक ही लैपटॉप के ऊपर। तो अब इसको भी रखते हैं साइड में। और ये सारी लैपटॉप एक्सेसरीज मैं इसलिए बनाता हूँ कि बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि हाँ कि आप कौन कौन सी एक्सेसरी मतलब रेकमेंड करोगे, ये रेकमेंड कर दो वो कर दो, तो जो मैं अपने लिए पर्सनली मंगाता हूँ वो मैं शोकेस कर देता हूँ, तो उससे आपको काफी हेल्प मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क सीगेट की 1 TB की हार्ड डिस्क है, USB 3 का सपोर्ट है इसके अंदर। भाई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की तो आजकल रिक्वायरमेंट होती है, आपको मूवी स्टोर करनी है गेम स्टोर करने हैं तो लैपटॉप की स्टोरेज तो एकदम भर जाती है भाई, थोड़ा सा सामान डालते हो तो 1 TB का तो पता भी नहीं लगता। तो ये 1 TB की एक्सटर्नल स्पेसिफिकली मैंने अपने लिए मंगाई है, और डब्बा थोड़ा फटा हुआ है क्योंकि मैंने खोल दिया था इसको, बट स्टिल मैं आपके आगे अनबॉक्सिंग कर देता हूं, दिखा देता हूं। तो इसके अंदर निकलती है एक हार्ड ड्राइव, और एक इसके लिए निकलती है कनेक्शन केबल, तो ऐसा इसके अंदर और कुछ नहीं है। और ये हार्ड ड्राइव बहुत बढ़िया है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं और भी कोई अच्छी हार्ड ड्राइव 1 TB या 500 GB या फिर 2 TB की हार्ड ड्राइव के लिंक्स भी डाल दूंगा, जो जिसको बड़ी लेनी हो तो आप उस लिंक से ले सकते हो। और मेरे को 1 TB की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने 1 TB मंगवा ली। फिर है हमारे पास हार्ड ड्राइव का केस, ये USB 2.0 का हार्ड ड्राइव का एक्सटर्नल केस है।
अब ये कहां पे काम आता है ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोग अपने पुराने लैपटॉप से नए लैपटॉप पे शिफ्ट हो रहे हैं, और जो लोग अपने पुराने लैपटॉप को बेचना नहीं चाहते उनके घर पे जस्ट ऐसे ही पड़ा है, तो ये केस किस लिए काम आता है, जो हमारी इंटरनल हार्ड ड्राइव होती है लैपटॉप की उसको हम निकाल सकते हैं, उसको एज एन एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो ये है मेरे पुराने लैपटॉप की 500 GB की WD की हार्ड ड्राइव, ये लैपटॉप की इंटरनल हार्ड ड्राइव है 2.5 वाली। तो अब कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। इसके अंदर एक आपको केस मिलेगा, एक कनेक्शन यूएसबी केबल मिलेगी, दो इसके अंदर स्क्रूज हैं और एक स्क्रू ड्राइवर। अब स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर का काम क्या है, जब हम इसके अंदर हार्ड ड्राइव लगा देंगे तो वो स्क्रू से हम कस देते हैं तो वो इसके अंदर फिक्स हो जाती है, जिससे वो कहीं निकले ना या गिर के खराब ना हो जाए, क्योंकि हार्ड ड्राइव बहुत डेलिकेट होती है, जरा सा इनके ऊपर शॉक लगता है, जरा सा भी गिरती है एकदम खराब हो जाती है। तो यार हार्ड ड्राइव थोड़ा प्यार से रखना आप। तो जैसे ये वाला सेक्शन आपके पीसी में लगता है, सिमिलरली आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा इसके अंदर। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा अटैच, तो ये आप देख सकते हो ये अटैच हो गया इसके साथ, ये हम इसके अंदर डाल देंगे, तो ये हार्ड ड्राइव हमारी इसके अंदर चली गई है। और ये जो दो स्क्रू हैं वो हम यहाँ पे और यहाँ पे इसको टाइट कर सकते हैं, तो आप उसको ऐसे यूएसबी से कनेक्ट करोगे और अपने लैपटॉप से कनेक्ट करोगे तो आप उसको एज एन एक्सटर्नल यूज कर सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शायद कुछ को पता होगी या शायद नहीं भी पता होगी, तो ये भी आप परचेज कर सकते हो अपने लिए। फिर आती है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये छोटा सा है पर एक बहुत ही काम की चीज है, अगर आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल है, अगर में छोटे मोटे गैजेट्स हैं तो ये चीज आपके बहुत काम आने वाली है। तो ये हमारी टूल किट, इसके अंदर बहुत सारे स्क्रू ड्राइवर सेट है और आप कोई भी स्क्रू खोल सकते हो किसी भी गैजेट का। अब हमने थर्मल पेस्ट मंगाई है, हम हार्ड ड्राइव निकालेंगे तो भाई लैपटॉप किसी ना किसी चीज से तो खोलेंगे ना, घर पे तो स्क्रू ड्राइवर होता नहीं, तो ये आप अपने लिए मंगा सकते हो। तो जैसे हम इसको खोलेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 24 वेरिएशंस मिलते हैं आपको स्क्रू ड्राइवर के, और एक मेन स्क्रू ड्राइवर है इसके अंदर, और ये सब इसके अंदर जो बिट्स होती हैं इसकी चेंज हो जाती हैं। तो इससे आप अपना कोई भी लैपटॉप मोबाइल या कोई भी कारस्तानी आपको घर में करनी है, किसी भी चीज में उंगली करनी है, तो आप इससे कर सकते हो आराम से। ये इसके अंदर मेटल का स्क्रू ड्राइवर मिलता है आपको, काफी बढ़िया क्वालिटी है इसकी। और यहाँ साइड पॉकेट में आपको ये दो ओपनर मिल जाएंगे, जब आप कोई लैपटॉप ओपन करते हो कुछ भी है तो उसके लॉक्स होते हैं, इससे ओपन करोगे, क्योंकि किसी मेटालिक चीज से ओपन करोगे तो लैपटॉप को आप डैमेज कर सकते हो। ये चीज बहुत बढ़िया है, इससे आपके लैपटॉप का भी डैमेज नहीं होगा और आपकी चीज प्रॉपरली खुल भी जाएगी, तो ये भी इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। आप ये रहेगी आखिरी दो चीजें, ये सबसे एंड में खोलेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ी और सबसे बढ़िया चीज है, दिख गया होगा गेम पैड है। तो बहुत लोग मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि लैपटॉप क्लीनिंग के बारे में वीडियो बनाओ, लैपटॉप क्लीनिंग के बारे में वीडियो बनाओ। अब भाई मैं लैपटॉप की क्लीनिंग करके तो मैं दिखाऊंगा नहीं, बट मैं किट सजेस्ट कर सकता हूं आपको, लैपटॉप की क्लीनिंग किट है ये, या कोई भी गैजेट क्लीनिंग किट कह सकते हो उसको आप, छोटी मोटी चीज जहां पे आपका हाथ नहीं जाता, जैसे कीबोर्ड हो गया या लैपटॉप की कीज हो गई या लैपटॉप की स्क्रीन होती है, तो आप उसको प्रॉपरली क्लीन कर सकते हो। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये 6-in-1 किट है, तो यानी कि इसके अंदर हमारे को 6 चीजें मिलेंगी, देखते हैं क्या क्या है। एक ये मिलता है आपको फुसफुस, इसका एक्चुअली काम क्या है, कहीं भी आपके ऐसे डस्ट वगैरह जैसे कीबोर्ड वगैरह में, तो ये डस्ट वगैरह उड़ाने के काम आ जाएगा, पर ये है बहुत बढ़िया चीज। ये क्लीनिंग के साथ साथ स्ट्रेस रिलीवर की तरह भी काम आ सकता है, आप खाली बैठ के इसको ऐसे फुसफुस कर सकते हो। एक ये आपका क्लीनिंग सॉल्यूशन, ये 25 ml की छोटी सी शीशी है, और इससे आप डिस्प्ले वगैरह, मोबाइल की डिस्प्ले, लैपटॉप की डिस्प्ले, कोई भी कांच का सर्फेस है जैसे आपकी टीवी की स्क्रीन वगैरह होगी, वो सब आप इससे क्लीन कर सकते हो। और ये अलग से मार्केट में मिल जाती है, अगर खत्म हो जाती है तो किसी भी मोबाइल की शॉप से आप जाके क्लीनर ले सकते हो। फिर ये मिलती है कान साफ करने वाली बड्स, अब ये छोटी छोटी बड्स भी आपको काफी हद तक काम आ सकती है, तो आपके घर में भी होती है, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई ऐसी छोटी जगह जैसे लैपटॉप की कीज के बीच में होती है जहां पे उंगली नहीं जा सकती, तो वहां पे आप बड्स से साफ कर सकते हो, कोई आपका खाना गिर जाता है, नमकीन चिप्स कुरकुरे क्या बोल रहा हूँ, तो वो सब आप इससे क्लीन कर सकते हो। ये वाला कपड़ा मिलता है जिसका थोड़ा सा टेक्सचर डिफरेंट है, और एक ये वाला कपड़ा मिलता है इसका थोड़ा सा टेक्सचर डिफरेंट है। अब कपड़ों के बारे में क्या बोलूं, ये तो घर पे मिल जाते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर ये आपको मिलता है मेकअप करने वाला ब्रश, तो इस ब्रश से आप ये भी कीबोर्ड वगैरह साफ करने के लिए, या फिर कोई एजेस होती है लैपटॉप की जहां पे डस्ट बैठ जाती है और वो कपड़े वगैरह से नहीं निकलती, तो आप इस ब्रश से निकाल सकते हो। तो अब ये सारी चीजें रखते हैं साइड में, अब आ जाते हैं मेन चीज के ऊपर, जो है हमारा कंट्रोलर। अब जब गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो तो एक कंट्रोलर भी ले लो, कभी कभी कीबोर्ड माउस से नहीं खेलने का मन करता तो कंट्रोलर से खेलने की अलग ही फील है। तो यहाँ पे हमारे पास है रेड गियर का प्रो सीरीज का गेम पैड, ये वायरलेस गेम पैड है और इसके अंदर दो यूएसबी स्टिक है। तो पहले इसके डब्बे पे नजर मार लेते हैं, यहाँ पे लिखा 2 एनालॉग ट्रिगर्स, वो भी हम देख लेंगे, 11 डिजिटल कीज, वो भी हम अंदर से देख लेंगे, 10 मीटर्स वायरलेस कनेक्टिविटी, अब जितने भी वायरलेस चीज होती है उन सबकी 10 मीटर्स की कनेक्टिविटी होती है सबको पता है, अप टू 10 आवर्स ऑफ गेम प्ले। एक्चुअली इसका बैटरी बैकअप सच में बहुत बढ़िया है, मैंने इसके रिव्यूज देखे हैं और मेरे कुछ व्यूअर्स भी इसको यूज कर रहे हैं तो बता रहे थे बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, मतलब एक बार चार्ज करते हैं 10 घंटे लगातार तो कोई नहीं खेलेगा, बट वो कहते हैं एक एक हफ्ता चल जाता है, एक दो दो घंटे भी अगर रोज यूज करते हैं तो एक हफ्ता आराम से निकाल देता है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड फोर्स फीडबैक लिखा है, इसका मतलब इसके अंदर वाइब्रेशन भी होगी, और यहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स लिखे कौन सी विंडोज में चलेगा तो ये भी चल जाएगा। तो आप इसको यूएसबी के थ्रू भी यूज कर सकते हो और आप इसको वायरलेसली भी यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर निकलता है कंट्रोलर, ऑब्वियसली कंट्रोलर है तो कंट्रोलर तो निकलेगा ही, एक निकलती है यूएसबी केबल और दो वायरलेस कनेक्शन की यूएसबी स्टिक। तो भाई ये दो देने का रीजन यही है कि अगर एक खो जाए तो आप दूसरी कम से कम संभाल के रखो, और अगर ये दोनों खो गए तो आप वायरलेसली गेम पैड को नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये जो यूएसबी स्टिक होती है ना स्पेसिफिकली एक ही डिवाइस के लिए बनती है, आप ये नहीं कि सर्विस सेंटर जाओगे या दोबारा रेड गियर के किसी स्टोर वगैरह से आप खरीद लोगे, ऐसा नहीं है,
ये दोबारा नहीं मिलती, तो उसको संभाल के रखना। एक आपको डिस्क मिलती है और एक मिलती है आपको यहाँ पे यूजर मैनुअल, मतलब गेमर्स को भी ये देने की जरूरत है भाई, हम खुद फिगर आउट कर लेते हैं। जो इसका वेट है वो 205 ग्राम है, 205 ग्राम का है ये, तो काफी ठीक ठाक फील होता है और अच्छी बिल्ड क्वालिटी फील होती है। देखो चीज थोड़ी भारी होती है तो अलग ही मजा आता है उसे हाथ में पकड़ने में। अगर मैं इसको PS4 के कंट्रोलर से कंपेयर करूं तो ऑलमोस्ट सेम सा वेट है ये, बस 5-10 ग्राम शायद हैवी होगा, बाकी ऑलमोस्ट सेम वेट है इनका। तो जो इसकी लुक है वो बिल्कुल एक्सबॉक्स के कंट्रोलर वाली है, क्योंकि विंडोज के लिए बनाया है तो एक्सबॉक्स के कंट्रोलर वाली लुक है। एक एनालॉग स्टिक यहाँ मिल जाती है, एक एनालॉग स्टिक यहाँ पे मिल जाती है, बाकी ये कीज वगैरह है इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब ये चीज देख के ना कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा ज्ञान दे देंगे लोग। तो अब इसको हम करते हैं अपने पीसी से कनेक्ट, देखते हैं कैसी इसकी वाइब्रेशन है, कैसा इसका एक्सपीरियंस है, क्या हमारे को कंट्रोल सेट करने पड़ते हैं गेम्स में या अपने आप हो जाते हैं। तो करते हैं अपने पीसी से कनेक्ट और खेलते हैं एक आधी गेम। तो ये वायरलेसली कनेक्ट हो चुका है मेरे पीसी से और यहाँ पे हमने चला दिया रेड डेड रिडेम्पशन 2 और ये डायरेक्टली कनेक्ट हो गया था, मेरे को किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ी थी, जस्ट मैंने वहां पे स्टिक प्लग इन करी और ये जस्ट कनेक्ट हो गया। तो गाइस बिना किसी ड्राइवर अपडेट के और बिना किसी चीज के ये डायरेक्टली चल गया हमारे पीसी पे और वाइब्रेशन वगैरह भी वर्क कर रही है इसकी प्रॉपर, और जो हैप्टिक फीडबैक है इसका वो बहुत बढ़िया है यार। अगर मैं PS4 के कंट्रोलर से हैप्टिक फीडबैक कंपेयर करूं तो ऑलमोस्ट सेम सा है, मतलब इस बजट में 1700 रुपए के लगभग ये आपका जो कंट्रोलर है उस बजट में तो भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है भाई ये। और अगर आप यहाँ पे देखोगे इन 4 बटन्स में भी लाइट जल चुकी है, ये मैंने जस्ट अभी नोटिस की है। तो गाइस ये थी 5-6 चीजों की अनबॉक्सिंग और रिव्यू, सात थी शायद। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक कर दो और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में भाई जरूर बताना। और अगर नया चैनल पे तो यार सब्सक्राइब तो तुम कर ही दोगे, कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बढ़िया बढ़िया तुम्हारे को मतलब बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलेगा इस चैनल पे। और जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैं लाइव जाता हूं तो वहां पे आप मेरे से काफी सवाल कर सकते हो और इंस्टाग्राम में काफी बिहाइंड द सीन शेयर करता रहता हूं। तो मिलता हूं मैं आपको किसी नेक्स्ट बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।